नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं असम के बारे में। तो हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर अनाउंस हुए हैं, तो शपथ ली है सीएम पद की, जिनका नाम है हेमंत बिस्व सरमा। तो अभी असम में ही ना कॉटन कॉलेज नाम की एक संस्था है, जो कि काफी पुरानी संस्था है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां से ही ज्यादातर, मतलब अभी तक जितने सीएम्स हुए हैं असम में, कुल मिलाकर 15 सीएम्स हुए हैं, तो उनमें से 7 सीएम जो है ना उसी कॉटन कॉलेज से ही निकल कर आए। और जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो 7th एक्स स्टूडेंट हैं इसी कॉटन कॉलेज के। तो अभी थोड़ा सा जानते हैं इस कॉटन कॉलेज के बारे में, इसका क्या इतिहास है। ओके, तो ये न्यूज़ में है, तो अभी शुरुआत करते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा की, तो उन्होंने अभी 15th सीएम के तौर पर जो है शपथ ली है असम के। तो अभी वो 7th एक्स स्टूडेंट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है कॉटन कॉलेज। पहले इसको कॉटन कॉलेज बोलते, तो अभी इसको कॉटन यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है। हाल ही में मतलब अमेंडमेंट हुई है, नया बिल लाकर इसको यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो प्रदान कर दिया गया है। ओके, तो अभी ये 7वें हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है राज्य में ऑक्यूपाई की है, जो इसी इंस्टीट्यूट से निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी बाकी के जो 6 हैं जो एक्स कॉटन से, मतलब जो वहां से निकल कर आए हैं, जो असम के सीएम बने बाद में, तो जो असम के पहले सीएम थे गोपीनाथ बरदलोई, तो वो भी यहाँ से ही निकल कर आए थे। ओके, तो ये 1946-47 की बात है जब ये सीएम बने थे असम के, पहले पहले सीएम की बात कर रहा हूँ। तो ये भी इसी कॉलेज से ही निकल कर आए थे। उसके बाद महेंद्र मोहन चौधरी की बात कर लें, शरद चंद्र सिन्हा की बात कर लें, जोगेंद्र नाथ हजारिका की बात कर लें, हितेश्वर सैकिया एंड भूमिदार बर्मन, तो ये सभी, ये भी 6 जो थे ये भी इसी कॉटन कॉलेज के यहाँ पर एक्स स्टूडेंट थे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि असम के जो आजादी से पहले के जो सीएम थे ना, जिनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी 1937 से लेकर 1946 तक ये चीफ मिनिस्टर ये रहे हैं असम के। तो उस समय असम अनडिवाइडेड था, मतलब कि बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश में ज्यादातर एरिया तो बंगाल का ही गया, लेकिन असम का भी कुछ पार्ट गया था। ओके, असम का एक सिलहट नाम का डिस्ट्रिक्ट था, जो कि वहां पर रेफरेंडम हुआ और वहां के लोगों ने सपोर्ट की कि हम बांग्लादेश, जो कि उस समय उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, तो उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट की कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और सिलहट जिला भी जो है वो बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ओके, तो ये तब उस समय ये रहे थे सीएम। उसके बाद ये बोर्दलोई की गवर्नमेंट आई थी, और ये भी जो था यहीं पर स्टडी इनकी हुई है कॉटन कॉलेज में। तो ये, इसको बनाया गया था 1901 में। तो किसके द्वारा बनाया गया? इसको बनाया गया था सर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, तो इन्हीं के नाम पर ये कॉटन कॉलेज है। तो ये उस समय के असम के चीफ कमिश्नर थे। ओके, तो यहाँ पर उस समय ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से बंटवारा किया हुआ था, तो कुछ तो यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नर्स होते थे जो प्रोविंसेस के ऊपर रूल करते थे, और कुछ यहाँ पर ऐसे स्टेट्स होते थे जहां पर चीफ कमिश्नर बैठाए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो रूल करेंगे वहां पर। और इसके अलावा बात करें कि इसको, इसका स्टेटस बदलकर यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको दिया गया 2017 में। तो ये भी किसके द्वारा दिया गया? ये भी हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा ही दिया गया। ओके, तो ये उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके, देखो इनके पास अभी जो पिछली सरकार चली है ना असम में, तो उस समय भी इनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज थे। तो चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, और इसके अलावा उनके पास होम मिनिस्ट्री थी। इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, तो वो हेमंत बिस्व शर्मा के पास ही थी। ओके, तो मतलब ऐसा ही नहीं कि पिछली सरकार में ही, मतलब वो ऐसे हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने सेवा निभाई है। तो पिछली जो दो गवर्नमेंट निकली हैं, जो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वहां पर भी ये हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। ओके, बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 2015 में आकर, फिर यहां पर भी इनको वही पोर्टफोलियो मिल गया, तो अभी जाकर इनको सीएम की पोस्ट मिली है। तो ये बात यहाँ पर आगे की जा रही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर पॉलिटिकल फिगर्स की बात की जा रही है, जैसे जो यहाँ पर कॉटन कॉलेज से निकले हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये भी निकले हैं। जब जो भी यहाँ पर बेस्ट पॉलिटिकल अगर माइंड्स की बात करें, तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक तरीके की नर्सरी है ये। यहाँ पर अगर कॉटन कॉलेज की बात करें, मतलब कि जिस तरह के ऐसा हो ना कि मतलब जहाँ से कुछ जो पौधे वगैरह, मतलब तो शुरुआत होती है, जो माली होता है उसको काटता है, बनाता है, फिर आगे उसको बेचता है, जो फिर आगे जाके वो किसी घर घर की शान बनता है, या किसी पार्क की शान बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये मतलब पॉलिटिशियंस के, मतलब पॉलिटिकल माइंड्स के लिए अच्छी खासी नर्सरी है कॉटन कॉलेज। ओके, तो मतलब जो स्टेट को सीएम, इतने सीएम दे चुकी है। तो अगर शर्मा की बात करें, तो इन्होंने भी 1985 में
यहीं से स्टडी की, तो यहाँ पर अपनी मैट्रिकुलेशन से लेके तो उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी 1992, तो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर यहीं स्टडी किया, 10वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और इसके अलावा ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं ऑफ कोटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन फॉर 3 टर्म्स, तो 3 बार यहाँ पर ये जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में इसको जगह मिली हुई है, जो भारत के टॉप 200 जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनकी बात करें, जो हायर कॉलेजेस अगर उनकी बात करें, तो यहाँ पर इनकी जो जगह है वो 150 से लेकर 200 के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पर रैंकिंग किसके द्वारा की गई है? ये की गई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। तो इनके द्वारा मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। ये अभी पिछले साल मई 2020 में ही यहाँ पर ये रैंकिंग जारी हुई। इसके अलावा ये हायर एजुकेशन फील्ड में यहाँ पर ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है आसाम में भी, और बाकी का जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर भी। और बीजेपी ने अभी अगर हेमंत बिस्व शर्मा को यहाँ पर सीएम अपॉइंट किया ना, तो वो भी मतलब फ्यूचर का सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, वो किसी ना किसी तरीके से मतलब वहां बीजेपी एक्सपैंड करे, अपने आप को एक्सपेंशन कर पाए, जैसे त्रिपुरा में कर चुकी है, वहां पर बीजेपी का सीएम है, मतलब मेजोरिटी में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह पर ज्यादातर यहाँ पर कोलिशन है। ओके, तो इसी तरीके से असम से ही मतलब एक तरीके से ना ये मतलब एक जड़ की तरह फैलना चाह रहे हैं बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। और अगर आगे बात करूं मैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है। ओके, किसके द्वारा अडॉप्ट की हुई? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर ये रैंक करता है भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पर इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा 29 सितंबर 2015 को। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, अभी इसी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और जो प्रेजेंट इसके मंत्री है वो कौन है? अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, जो अभी बच्चों के जो 10th के एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। ओके, तो उनका नाम क्या है? तो नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके अलावा ये क्या करती है कि मतलब जिस तरह का यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हो, जिस एरिया में यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कर रहा हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, या आर्किटेक्चर का इंस्टीट्यूशन है, तो उसी फील्ड में ही जितने कॉलेजेस हो गए ना, तो उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज है वहां पर यूनिवर्सिटी में, रिसर्च का स्टैंडर्ड क्या है, और यहाँ पर स्टेक होल्डर परसेप्शन, तो मतलब किस तरीके से इनका जो है अहम योगदान है भारत की एजुकेशन, अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें, या एजुकेशन दायरे की अगर बात करें, तो वहाँ किस तरीके से मतलब ये अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से इनका प्लानिंग है, तो ये सब कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स देखते हैं, फिर जाकर ये रैंकिंग देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि जो भारत के IITs हैं, ओके, तो उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है? अगर मैं पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो इसमें जो भारत के IITs हैं उनकी रैंकिंग क्या है? क्या टॉप 100 में वो आते हैं, नहीं आते? तो यहाँ इस लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।